हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से रामनवमी के अवसर पर बुधवार को भागलपुर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं ने जमकर पूरे उत्साह के साथ प्रभु राम लला का जयकारा लगाया। इस दौरान हिंदुत्व सेवा संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में पुरुष, महिला, युवक, युवती और बच्चों के अलावा राम भक्तों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में जय श्री राम समेत कई तरह के जयकारे लगाए गए, जिससे माहौल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवा रंग में रंगा रहा। वहीं पूरा शोभा यात्रा मार्ग भगवा ध्वज के साथ भगवान राम, राम भक्त, हनुमान के झंडे से पटा दिखाई दिया। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, दूत भूत समेत भगवान शिव, हनुमान समेत देवी देवताओं के वेशभूषा में कलाकार शामिल हुए, जिसे देखकर लोग रोमांचित दिखे। वहीं इस दौरान रथ पर सवार प्रभु राम लला की प्रतिमा को देखने के लिए श्रद्धालुओं और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां लोग सेल्फी, वीडियो और फोटो लेते दिखे। इधर शोभा यात्रा और लोकसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जबकि शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मार्गों में चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल और बिहार पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं कार्यक्रम में हिंदुत्व सेवा संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के अलावा शहर के अलग अलग सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं काफी संख्या में युवा श्रद्धालु भक्ति संगीत पर झूमते दिखाई दिए। रामनवमी को लेकर बुधवार को भागलपुर के घंटाघर, भगत सिंह चौक, पटेल चौक, भिकनपुर, त्रिमूर्ति चौक, छोटी खंजलपुर चौक समेत जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न हनुमान मंदिर में रंग रोगन के साथ विधि विधान से पूजन कार्य किया गया, जिसके साथ प्रभु राम और भक्त हनुमान के चित्र वाली महावीरी पताका लगाई गई। जगह जगह मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संकल्प कर भगवान राम के जयकारे के साथ ध्वजा चढ़ाई गई, जिससे पूरा माहौल भक्ति के रंग में रंगा दिखा। सुबह से ही मंदिरों और घरों में श्रद्धालुओं द्वारा रामनवमी पूजन की तैयारी शुरू की गई, जिसके बाद बारी बारी से पूजन के बाद भगवान राम और भक्त हनुमान को ध्वजा चढ़ाया गया। वहीं इसके साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले चैत्री नवरात्र भी पूरी हो गई, जिसमें भक्तों ने मां दुर्गा की पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वहीं इसको लेकर मंदिरों को कृत्रिम फूलों से सजाया गया, जबकि इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इधर हनुमान मंदिरों में महावीरी पताका और भगवा ध्वज लहराता दिखा। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहोला मोड़ चेक पोस्ट पर लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वाहनों की नियमित चेकिंग की जा रही है। इस कड़ी में चेक पोस्ट पर बनाई गई विशेष व्यवस्था में प्रत्येक शिफ्ट में एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी के साथ 5 पुलिस बल को तैनात किया गया है। बुधवार को छोटी और बड़ी वाहनों की सघन जाँच की गयी, साथ ही मोटरसाइकिल की डिक्की और उस पर सवार लोगों की भी तलाशी ली गई। हालांकि ट्रकों की लंबी कतार के कारण सभी ट्रकों की जांच नहीं हो पाई, लेकिन संदेहजनक वाहनों को रोककर गंभीरता से उसकी जांच की गई। वहीं बांका के तरफ से आने वाले वाहनों और पैसेंजर गाड़ियों की भी जांच की गई। चेक पोस्ट पर 3 शिफ्ट में मजिस्ट्रेट जेई विजय कुमार और पुलिस अधिकारी मुलायम प्रसाद यादव ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान मुख्य रूप से शराब और अवैध पैसे की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आपत्तिजनक चीजें बरामद नहीं हुई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर चेक पोस्ट पर 24 घंटों में 3 शिफ्टों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में प्रखंड के विभिन्न चैती दुर्गा मंदिरों और हनुमान मंदिरों में चैती नवरात्र और रामनवमी का आयोजन बुधवार को किया गया। भक्तों ने हनुमान मंदिर और चैती दुर्गा मंदिर में पूजा पाठ किया और ध्वजारोहण किया। घरों में भी चैती दुर्गा माता की पूजा पाठ किया, कन्या पूजन किया और कुमारी कन्याओं को भोजन कराया। हनुमान मंदिर और चैती दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष ने मंदिर में महाआरती की और प्रसाद वितरित किया। शहर में रामनवमी और चैत्री नवरात्र के अवसर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और इस बार तो और इसी अवसर पर यह रामनवमी आया हुआ है और 500 वर्ष के बाद रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं। इस बार उत्साह चरम सीमा पर है और संपूर्ण सनातनियाँ, सनातनी को मानने वाले जितने भी हैं पूरे विश्व में, सबों में बहुत सारा उत्साह है।